हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय एस। सो क्लास 11th में हम कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पर हमने कर लिया था कहाँ तक, एंड्रोशियम तक। अब आता है गायनोशियम। गायनोशियम है क्या होता है, ओवरी को हम कहते हैं गायनोशियम, ओवरी स्टिग्मा प्लस स्टाइल, इन तीनों को हम कहते हैं गायनोशियम। तो यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है ये फ्लावर का, गायनोशियम में स्टिग्मा है, वो क्या करता है, रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिविटी का काम करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल सैक होता है जहाँ पर एम्ब्रियो सेल प्रेजेंट होती है, जिसके साथ फ्यूजन करके आगे जो मेल गैमेट है क्या बनाएगा, सीड और फ्रूट की प्रोडक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन है यहाँ पर 5 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एग्जाइल। एग्जाइल में क्या होता है, एग्जाइल में ओव्यूल के अलग अलग लोब्यूल होंगे और उसके अंदर ओव्यूल 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। नेक्स्ट आता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, बट वहाँ पर ओवरी की जो इनर लेयर है वहाँ पर ये ओव्यूल्स हैं अटैच्ड होंगे, इसको हम कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड के अंदर। अब फ्री सेंट्रल आता है। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, यहाँ पर लोब्यूल्स हैं नहीं होते, ओव्यूल है किसी अलग से, एक लोब्यूल एक उसका अलग से लोब्यूल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये फ्री सेंट्रल होंगे, सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स, कोई इनका लोब्यूल नहीं है। ये होता है डायंथस में। नेक्स्ट आता है मार्जिनल। मार्जिनल क्या होता है, ओवरी की एक्सिस है, वहाँ पर उसके मार्जिन पर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज़ मार्जिनल। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पी के अंदर। नेक्स्ट आता है बेसल। बेसल है कहाँ होता है, बेसल होता है यहाँ पर ओवरी के बेस में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसको हम कहते हैं, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर। इसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल होगा और वो प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ ओवरी। ओके, उसके बाद आता है फ्रूट। अब ये फ्रूट है क्या होता है, तो फ्रूट है कौन बनाता है, ओवरी आगे जाकर देखो जो ओवरी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है एग सेल। एग सेल क्या करती है, प्लस मेल एक सिंगल मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके बनाएगी, आगे जाकर क्या बनाती है, ये बनाएगी जाइगोट। अब यहाँ पर अगर जाइगोट के बाहर, मींस ओव्यूल के बाहर ओवरी लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं फ्रूट। और अगर जो एग सेल प्लस मेल गैमेट बना है उसके बाहर कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं सिंपल सीड। तो यहाँ पर फ्रूट और सीड सेम नहीं होता। सीड तो हम सिर्फ ओव्यूल सैक को कहते हैं जो एग सेल बनाएगा, बट उसके बाद जो ओवरी की लेयर है वो मिलकर क्या बनाती है, फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है सीड, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूट है, अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की इसकी फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स गायनोशियम विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन करती है तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसका एग्जांपल है बनाना। बनाना के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई मेल गैमेट नहीं चाहिए उसे, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट करके आगे फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है, जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब यहाँ पर फ्रूट की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। जैसे ये मैंगो है, ये उसकी सीड, दिस इज सीड। जो बाहर की लेयर होती है, येलो येलो पार्ट होता है, दैट इज एपिका। ओके, और अंदर की जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, दैट इज मीजोकार्प। एंड जो सीड को कवर करती है लेयर, दैट इज पेरिकार्प। तो ये डिपेंड कर सकता है कि किस फ्रूट के अंदर कौन सा
पार्ट एडिबल है, जैसे मैंगो के अंदर मीजोकार्प एडिबल है, और कई फ्रूट्स के अंदर जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होता है, कोकोनट के अंदर इस फ्रूट को हम कहते हैं ड्रूप, जहाँ पर क्या होता है जो मिड में दो टाइप के फ्रूट, दो वहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर डिपेंड कर सकता है कि फ्रूट किस टाइप का है, बट अगर फ्रूट प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, ओव्यूल के बाहर कवरिंग होना, ओवरी, एक ओवरी बनाती है फ्रूट, ओव्यूल बनाएगा सीड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सीड। अब सीड है, देखो दो टाइप के सीड होते हैं, डाइकोट फ्रूट क्या बनाएगा, डाइकोट सीड, मोनोकोट फ्रूट क्या बनाएगा, मोनोकोट सीड। और मोनोकोट डाइकोट का एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्रेन्स, जैसे ग्रेन्स में ग्राम आ गया और पल्सेस आ गई, वो सब क्या हैं, डाइकोट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर दो डाइकोट, दो कोटिलेडन्स हैं वो फॉर्म होते। तो यहाँ पर जब हम किसी चने को भिगो दें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको देखा, आप देखोगे कि वहाँ से वाइटिश कलर का पार्ट सा निकल रहा है। अगर उसको आप ओपन करोगे तो वहाँ पर देखोगे कि टू कोटिलेडन्स प्रेजेंट है, बीच में एक नीचे की तरफ जो लेयर होती है दैट इज रेडिकल, जो क्या बनाएगी, आगे जाकर रूट बनाएगी, जो ऊपर की तरफ लेयर होती है दैट इज प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल आगे जाकर क्या बनाएगी, शूट बनाएगी। ओके, तो ये होता है डाइकोट। मोनोकोट के अंदर क्या होता है, मोनोकोट में एक सिंगल क्या होता है, कोटिलेडन होता है, उसको हम कहते हैं स्क्यूटालम। ठीक है, वहाँ पर एंडोस्पर्म पर्सिस्टेंट होता है, एंडोस्पर्म पर्सिस्टेंट होता है तो एंडोस्पर्म के बाहर की लेयर होती है दैट इज एल्यूरोन लेयर, और यहाँ पर प्लूम्यूल को कवर करके कौन रखता है, कोलियोप्टाइल, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, कोलियोराइजा। ओके, तो मोनोकोट का सीड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और डायकोट के सीड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है फ्लोरल डायग्राम्स। तो यहाँ पर कुछ एनोटेशंस होती हैं फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कौन कौन सी होती हैं, देखो के तो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कैलेक्स, सी इज फॉर कोरोला, ए इज फॉर एंड्रोशियम, जी इज फॉर गाइनोशियम, गाइनोशियम, ओके, एंड दिस इज फॉर बायसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स इसके अंदर फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है और मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, दिस इज फॉर मेल फ्लावर एंड दिस इज फॉर फीमेल फ्लावर। ओके, और यहाँ पर कैसे इनके अंदर डिवीजन है, जैसे इसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मीन्स अगर किसी फ्लावर को एक सिंगल प्लेन से कट करते हैं तभी वो एक टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होता है सिर्फ एक सिंगल प्लेन से, तो उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अगर वो किसी भी प्लेन से, वो प्लेन सेंटर से गुजर रहा है और वो किसी भी प्लेन से कट करने के बाद टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, सबसे आउटर मोस्ट आप एक कैलेक्स बनाते हैं, देन कोरोला बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं, देन गाइनोशियम बनाते हैं। अगर गाइनोशियम को हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर जो गाइनोशियम है वो क्या होगी, सुपीरियर होगी, और अगर हम गाइनोशियम को कुछ ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट को ऊपर लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी, और अगर एंड्रोशियम को हम कैलेक्स से ऐसे अटैच होते दिखाते हैं तो क्या कहते हैं कि एंड्रोशियम है वो कैलेक्स से, सॉरी कोरोला से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फैमिली 2023 की बुक्स हैं जो है एनसीईआरटी आपके सिलेबस में, सिर्फ एक सिंगल फैमिली है दैट इज़ सोलनेसी फैमिली। तो सोलनेसी फैमिली है, फर्स्टली आप क्या करोगे उसके ये बताओगे कि हैबिटेट क्या है, तो सोलनेसी फैमिली के अंदर कौन सी ट्रीज आते हैं, शैबी ट्रीज आते हैं, हर्ब्स आती हैं जो मोस्टली ग्रीन होती हैं। ओके, और इनके अंदर स्टेम है वो हर्बेशियस होती है, लीव्स हैं यहाँ पर क्या होंगी, इनके अंदर अल्टरनेट वेनिशन होता है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, सिंपल होती हैं ये लीव्स, एंड यहाँ पर रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती हैं और एक्सट्रिपुलेट होती है, स्ट्रिपल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब आता है फ्लोरल करेक्टर्स, यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस होती है, सोलिट्री प्रेजेंट होते हैं ये, और फ्लावर है बायसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे,
बायसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, राइट? बायसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक. और नेक्स्ट आप ही लेके चलेंगे कैलिक्स. कैलिक्स है, फाइव हैं और यूनाइटेड हैं. यूनाइटेड को हम लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट में. फिर आएगा कोरोला. कोरोला है क्या है? पेटल्स फाइव हैं और यूनाइटेड हैं, ठीक है. अब आ गया एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम है यहाँ पर फाइव और ये क्या है? एपिपेटलस है. एपिपेटलस मीन्स ये पेटल्स से अटैच हैं, ठीक है. फिर आया गायनोशियम. गायनोशियम क्या है? बाइकार्पलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस है और सुपीरियर है. सिनकार्पस फ्यूज है तो ब्रैकेट्स में, सुपीरियर है तो नीचे की तरफ क्या लगेगी? एक बार लगेगी. और कुछ ऐसे हम इसका फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे, ठीक है. तब फ्लोरल डायग्राम के बेसिस पे हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं. तो यहाँ पर इसने क्या कहा? बायसेक्सुअल है, तो एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटर से. सेंटर में क्या है? सेंटर में यहाँ पर बाइकार्पलरी ओवरी है, तो दो लोब्यूल्स होंगे, राइट? कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे ये. एंड उसके बाद हम बनाएंगे कोरोला. कोरोला के अंदर एस्टिवेशन क्या है? वेलवेट एस्टिवेशन है. वेलवेट क्या बताया था मैंने? एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट होता है पेटल्स का, वो ओवरलैप नहीं करते. और कितनी है यहाँ पर? फाइव. ओके, ये फाइव हो गई एंड इनके एंड टू एंड कनेक्टेड. कुछ ऐसे ये बनेंगे. अब इसने ये कहा एंड्रोशियम है, फाइव हैं बट वो पेटल से अटैच है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हम इनकी फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो ये बन गए एंड्रोशियम. नेक्स्ट आता है कैलिक्स. कैलिक्स इसने यहाँ पर कितने बताए? फाइव हैं और फ्यूज हैं, और इनके अंदर भी होता है वेलवेट एस्टिवेशन. तो वेलवेट एस्टिवेशन है, कैलिक्स हम बनाएंगे. इससे आउटर वाला होल है जो फोर एंड फाइव, ये एक दूसरे से अटैच हैं बट वेलवेट एस्टिवेशन है. वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं पर ओवरलैप नहीं होते, और ये क्या है? अटैच है, ठीक है. बायसेक्सुअल हो गया एंड एक्टिनोमॉर्फिक है. एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स एक से ज़्यादा प्लेन से अगर फ्लावर को डिवाइड करते हैं हम तो टू इक्वल हाउस के अंदर डिवाइड होगा. और ये किसका एग्जांपल है? सोलेनेसी का. सोलेनेसी फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम है. और सोलेनेसी के अंदर सोलेनम ट्यूब्रोसम आता है, सोलेनम नाइजीरियम आता है जो ब्रिंजल का है, ठीक है. तो यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है? इनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है और हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं तो इनको हर्ब्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे बनाने हैं. अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया जाए किसी भी फैमिली का तो आप ईजिली फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो उसे, है ना. तो एक ही फैमिली है वैसे तो आपके, तो आप इसको ईजिली बना सकते हो. ओके, सो यहाँ पर हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से वो ख़त्म होता है. थैंक यू.